यार मैंने अब तक ना 10 कंपनीज में अप्लाई कर दिया, मेरे को रेस्पॉन्स ही नहीं आता है। मेरे को लगता है ना ये बी ए प्रोग्रामर चैनल ही फेक है, या ये जो चैनल है ना, ये जो पोस्ट करते हैं ना, सारा फेक है, ये कंपनी ही फेक है मेरे को लगता है। तो ये सारे आपके पास भी आते हैं ये सारे इश्यूज़, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी आती है ना, आप लोग बहुत कॉमेंट करते हो ये फेक है वो फेक है। हम लोग चैनल मेन जा रहे हैं कंपनी की वेबसाइट पर, वहाँ से आपको एप्लीकेशन करवा रहे हैं, उसको कह रहे हो आप लोग फेक है। तो आज हम लोग ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको शॉर्टलिस्ट करवा सकती हैं, ऐसा नहीं 100% शॉर्टलिस्टिंग हो ही जाएगी, करवा सकती हैं अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो। पहली चीज़, आपका रेज्यूम टेम्पलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहली चीज़, सारी आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बताने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है कि हम आज सारी चीज़ें देखने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द रेज्यूम टेम्पलेट्स, कि यार रेज्यूम टेम्पलेट बनाए कैसे, कितनी वेबसाइट्स है, कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। तो मैंने 7 साइट्स लिस्ट आउट किए जो कि फ्री वेबसाइट्स हैं, ऑब्वियसली उसका पेड वर्जन भी है, बट आप फ्री में यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, अपने काम के लिए इनफ है आपके लिए। नेक्स्ट थिंग कि आपको सारा वेबसाइट के बारे में बताएंगे, क्या यूनिक फीचर है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो, आप नीचे नीचे कमेंट कर सकते हो कि आप कौन से ग्रेजुएशन के हो, और मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आप कौन सी वेबसाइट से बनाओ ताकि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो, और आपके लिए कौन सा सबसे सूटेबल है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो वेबसाइट बताऊंगा कि आप इससे बनाओ, ये ज्यादा सूटेबल है आपके लिए, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, आपको सारी वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके ईज के लिए आपके सारे वेबसाइट बताऊंगा, चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर, सारी चीज आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि हम स्क्रीन पे आ गए, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सारी वेबसाइट्स मैंने लिस्ट आउट कर दी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे, कैसे क्या करना है वो भी बताएंगे। पर उससे पहले ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, बिकॉज ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट लिस्टेड की हुई है, उसमें ये वीडियो है रेज्यूम के ऊपर, रेज्यूम रिव्यू और हाउ टू मेक अ रेज्यूम। ये बंदा एक गूगल का एम्प्लॉई है जो गूगल में काम करता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेसिकली, और हम लोगों ने साथ में बहुत ज़्यादा रेज्यूम रिव्यू किए थे, पूरा डिटेल में वीडियो है, हर एक आपको पता चल जाएगी रेज्यूम के बारे में। पहले ये वीडियो देखना, उसके बाद जाना कि रेज्यूम बनाएं कैसे, क्या क्या टेम्पलेट्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, पहले वेबसाइट है मेरा नोवो रेज्यूम। नोवो रेज्यूम एक वेबसाइट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो है बट प्राइजिंग भी है, दो टाइप के होते हैं, एक प्राइजिंग होता है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको फ्री में काम चल जाएगा। ये एक पेज रेज्यूम आपको बनाना है ना, तो 1 पेज रेज्यूम के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, CV बना सकते हो, कवर लेटर्स बना सकते हो, रेज्यूम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, बिकॉज 1 पेज रेज्यूम बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे ढेर सारे टेम्पलेट्स लिस्टेड हैं, देखो अलग अलग टाइप के, 2 कॉलम रेज्यूम, 1 कॉलम रेज्यूम, बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। तो आप अपने ईज के हिसाब से, आप अपने तरीके के हिसाब से बहुत ढेर सारे रिज्यूम है जो ठीक है, जो सारी चीजें आप कर सकते हो, यहां पे सारा सब कुछ है, ट्राई फॉर फ्री यहां पे चीजें हैं, ठीक है। तो आप फ्री और पेड में क्या डिफरेंस है मैं वो भी बता देता हूं। पहली चीज तो एक पेज रिज्यूम आपको मिलेगा, जो कि हमको एक ही पेज रिज्यूम चाहिए अगर हम फ्रेशर हैं। नेक्स्ट थिंग, प्री डिफाइंड लेआउट्स है, पहले से लेआउट्स डिफाइन है कि हाँ यहां पे पर्सनल डिटेल्स डालने, यहां पे एजुकेशन डालना, जैसे यहां पे लिस्टेड है ना, वर्क एक्सपीरियंस लिस्टेड है, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। अपनी पर्सनल फेवरेट भी बताऊंगा अभी कि मेरी फेवरेट कौन सी वेबसाइट है, कौन सा मैं यूज करता हूं अक्सर। ये है नेक्स्ट कि कैनवा रेज्यूम है, ये मेरी क्या नाम है, ये मेरी असल में फेवरेट वेबसाइट है, बिकॉज इससे मैंने बहुत ढेर सारे रेज्यूम्स बनाए हैं, अपने खुद के बनाए हैं, लोगों को भी बनाए हैं, ठीक है। तो बहुत ढेर सारे रेज्यूम्स बनाए हैं, आप अपने रेज्यूम मेरे को भेज भी सकते हो लिंक्डइन के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, आई विल रिव्यू दैट डेफिनेटली, और जरूर हेल्प आउट करेंगे। या नीचे आप डिस्क्रिप्शन में ड्राइव पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन कमेंट कर सकते हो ड्राइव का लिंक, वो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, रेलेवेंट भी होगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे देखो ढेर सारे वेबसाइट्स हैं ना, तो ये लिंक रेज्यूम है, कैनवा रेज्यूम जब डालोगे गूगल पे, ये डिस्क्रिप्शन जाओगे इसका लिंक मिल जाएगा बेसिकली। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट्स हैं। ये वाला टेम्पलेट मैंने बायजूस के लिए दिया था, ये वाला टेम्पलेट्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, बहुत सिंपल बहुत अच्छा टेम्पलेट है, ये यूज़ कर सकते, तो अगर आपको कम इंफॉर्मेशन देनी है, रेलेवेंट टू द जॉब अगर देना है तो डेफिनेटली यूज कर सकते हो, और भी ढेर सारी हैं। ये कैनवा रेज्यूम भी बहुत अच्छी साइट है, यहां से डायरेक्ट आपको क्या करना होता है, बस एक टेम्पलेट चूज आउट करना होता है, और यहां से आपको यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना होता है, और यहां पे डायरेक्ट आपका एक वेबसाइट खुल जाती है, एक डिफरेंट पेज खुल जाएगा जहां पे आपका सारा कुछ, और इसको प्लस प्लस कर सकते हो या इसको घटा बढ़ा सकते हो आपको अगर जूम आउट जूम इन करना है, और डायरेक्ट आप यहां पे लिख के यहां पे एडिट कर सकते हो, ठीक है, यहां पे एडिट कर सकते हो, डबल टैप करके एडिट कर, जो भी एडिट करना है, जहां भी डालना है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, कुछ नहीं करना, ड्रैग एंड ड्रॉप है, और बहुत ज्यादा यूजफुल साइट्स हैं ये सब, तो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आती है मेरी ये वाली साइट जो कि विजुअल सीवी है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले मैं बता दूं, एजुकेशन पर्पस के लिए बेसिकली विजुअल सीवी, ये आप यूज कर सकते हो, इससे आप साइनअप पे भी लाइक लिंक्डइन के भी साइनअप कर सकते हो, गूगल से भी साइनअप कर सकते हो, यहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स है। मैं एक बार टेम्पलेट्स अगर दिखाऊं आपको, एक्सप्लोर और सेव टेम्पलेट्स पे, तो मेरे को यहां पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक बार साइनअप करना पड़ेगा, और आप नीचे कॉमेंट
में भी कर सकते हो अगर आपको मोबाइल के लिए, मोबाइल के एप्लीकेशन के बारे में जानना, किस एप्लीकेशन से कैसी रेज्यूम हम बना सकते हैं, तो वो भी मैं बना दूंगा अगर आप नीचे कमेंट डाउन करें। डेफिनेटली जो आपका डिमांड रहेगा वो आ जाएगी वीडियो, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली बना दूंगा। यहाँ पर देखो ढेर सारे टेम्पलेट्स हैं, तो सपोज मैंने ये वाला टेम्पलेट किया और यहाँ पे गेट दिस टेम्पलेट पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर लॉग इन करने के लिए बेसिकली कहेगा। तो सपोज मैं लॉग इन कर देता हूँ सपोज, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार अपने लिंक्डइन से लॉगिन करता हूँ। आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आप मेरे को कनेक्ट करना चाहते हो, और मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया, नॉर्मल मैंने लिंक्डइन यह कर दिया। आप अपने गूगल से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, मैंने लिंक्डइन से किया बिकॉज ये क्या करेगा ना, मेरे को लग रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं देखता हूँ क्या क्या करता है। जैसे ये वाला टेम्पलेट मेरे को यूज़ करना है सपोज, ठीक है, ये वाला टेम्पलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या करेगा ये देखो, ठीक है, ये मेरा एक रेज्यूमे बनाना चाहता है। कैसे बनाना चाहता है ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, कितना सही सा लग रहा है मेरे, इसने ना मेरा लगभग लाइक मेरा नाम उठा लिया, फोटो उठा लिया और ये सारी चीज़ें, और बाकी चीज़ें आप डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डबल टैप करो एडिट कर लो, डबल टैप करो एडिट कर लो। तो सपोज़ ये वाली है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बट ये पेड आपको दिखाएगा, जब आप ये डाउनलोड क्लिक करोगे तो पे करने को दिखाएगा। तो मैं एक जुगाड़ बताता हूँ जो आप कर सकते हो डेफिनेटली यहाँ पे, कर सकते हो सपोज़ आपने पूरा भर दिया, ठीक है, सपोज़ भर दिया आपने, और मैं क्या करना चाहता हूँ इसको प्रीव्यू, सपोज़ प्रीव्यू क्लिक करूँगा ना तो पूरा यहाँ पे ज़ूम मेरा दिखाएगा, ज़ूम आउट करके कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट इस वाले को स्निप कर सकते हो, जो आपको यूज करना है, जो आपको वो करना है, आप इतना कॉपी कर लो और इतना ले जाके पेस्ट कर दो कहीं पे भी, या इसका सेव कर लो इसको एज अ पीडीएफ, या एज अ जैसे भी सेव करना है ऐसे करके सेव कर लो, डिपेंड करेगा आप पे कैसे सेव करना है। सो ये भी आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है, जुगाड़ है बट ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आती है ओवरलीफ, ये देखो बहुत अच्छा वेबसाइट है, अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो बहुत अच्छा रिज्यूमे है ये। गूगल के एम्प्लॉयज जो हैं या फेसबुक के एम्प्लॉयज हैं, बड़े बड़े कंपनीज में जो हायर होते हैं या प्लेस होते हैं, वो लोग यूज करते हैं बिकॉज इसमें ना आपका प्रोजेक्ट्स देखो, इसमें अलाइनमेंट बहुत अच्छी है, लाइक सिमेट्री अच्छी बनी रहती है, एजुकेशन एक साइड हो गया, एक साथ एक्सपीरियंस हो गया और प्रोजेक्ट हो गया, ऐसे करके डाल सकते हो। तो यहां पे आपको करना होता है ओपन एज अ टेम्पलेट पे क्लिक करना होता है, तो ये एक टेम्पलेट की तरह खुलेगा और ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से खुलता है, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से खुलेगा। जैसे ये मैंने क्लिक किया और मैं इसको एज अ गूगल से साइन इन कर रहा हूं सपोज, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से खुलता है, लेफ्ट साइड में कोड आएगा और राइट साइड में आपका टेम्पलेट आएगा। तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूं, इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज थोड़ी सी हैवी फाइल है। और यहां पे देखो कैसे दिखाएगा ना, सोर्स ये एक कोड की तरह दिखा रहा है और इधर दिखाएगा रिच टेक्स्ट, दो चीज है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर मान लो एक्सपीरियंस को करना चाहते हो, ठीक है, तो यहां पर कंट्रोल एफ करो और एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सर्च करोगे तो यहां पे एक्सपीरियंस शो किया ना, तो फेसबुक के जगह अगर आप मान लो डालना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और इसको करना चाहते हो ऐसे टैप और रिकम्पाइल, जब रिकम्पाइल करोगे तो कंपाइल करेगा और यहाँ पे एक मिनट कंपाइल कर रहा है और ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये है, इसमें थोड़ी सी मेहनत है बट अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से तो आपको बहुत ईजिली आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत ईजी है, नॉर्मल सर्च करते रहो और चेंज करते रहो, ये टेम्पलेट आपका नहीं इधर से उधर होगा, बहुत सही रहेगा। और डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, डाउनलोड एज अ पीडीएफ और ये हो गया डाउनलोड। तो ये है सिस्टम, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आता है मेरा cvmaker.com, cvmaker.com भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, क्रिएट अ सीवी पे टैप करो, ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में भी है। और यहाँ पे देखो दो टाइप के ऑप्शन आते हैं, एक आता है अपग्रेड टू प्रीमियम, तो हम एक बार टैप करके दिखाते हैं, बस खरीद नहीं रहे हैं। दो ऑप्शन हैं, एक फ्री है और एक बेसिक टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, कस्टम सेक्शंस डाल सकते हो, बेसिक टेक्स्ट एडिटर और $0, कोई पैसे नहीं देना। तो हम क्या करेंगे, हम फ्री वाला ही उठाने वाले हैं और यहाँ पे हम सारा एक्सपीरियंस अपना सब कुछ डाल देंगे। जब उसके बाद आपको क्या करना है कि डाउनलोड करना है, सेव करना है, क्विक प्रीव्यू करना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका दिखने वाला है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव या डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के टेम्पलेट्स हैं, तो वो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है बट आप वहां पे टाइप करोगे ना डेफिनेटली वहां पे शो कर जाएगा, तो वो इजी होगा। नेक्स्ट आता है मेरा ये ग्रेट सैंपल रिज्यूम, ग्रेट सैंपल रिज्यूम भी अच्छी साइट है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। क्रिएट अ रिज्यूम पे टैप करोगे, बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स मैंने बता दी, आपका आप मर्जी है, जो आपकी यूज़ करना कर लो। और डेफिनेटली अगर आपको एक मोबाइल के लिए चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना और अपना डिग्री बताना मत भूलना, डिग्री ज़रूर बता देना ताकि मैं सजेस्ट कर सकूँ कौन सा वेबसाइट आपके लिए बेटर है, ठीक है। यहाँ पर देखो अपना एक्सपीरियंस चूज आउट किया और हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, इंडिया में रहता हूँ और यहाँ पर आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है।
थोड़ा सा, हाँ ये टेम्पलेट्स आ गए। अब जो टेम्पलेट आपको यूज करना है, सपोज ये वाला टेम्पलेट मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो इस पर टैप करूंगा और क्रिएट न्यू रेज्यूमे, ठीक है ये क्लिक करूंगा। अगर आपके पास रेज्यूमे है ऑलरेडी तो उस पर टैप करके अपना रेज्यूमे इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं अनुराग डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लाइव दिखेगा कि हाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है resume.com, resume.com ये आपका वेबसाइट है जो आप डायरेक्ट रेज्यूमे से बना सकते हो। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, शायद इसमें कोई भी पेमेंट ऑप्शन नहीं है, और फ्री में तो आप सारा लेआउट कर सकते हो। आपको अपने यूज करने के लिए डेफिनेटली इनफ है, पे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट आप अपना एक्सपीरियंस सेक्शन, ये सारी सेक्शंस, ये सब एक एक करके डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो टेम्पलेट, जो भी आपको चूज करना है टेम्पलेट अपने आप चेंज कर, बहुत ईजी स्टेप है। एक बार सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया, उसके बाद टेम्पलेट चूज कर दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे कैसे चेंज करना है आपके ऊपर, कि आपको प्रिंट करना है, प्रीव्यू करना है, डाउनलोड करना है, डिलीट करना है, जो मर्जी डिलीट करना है डिलीट कर दिए, ठीक है। जैसे हमको नहीं चाहिए था हम डिलीट कर दिया, तो ये भी कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। सो ये सारी वेबसाइट्स थी, और ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इलैबोरेटिव हमने बनाई है, और बेसिक हमने बताया भी कौन सा टेम्पलेट बेस्ट होता है। अगर आपको वो टाइम नहीं लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप नीचे कॉमेंट में जा सकते हो, आप कॉमेंट डाउन कर सकते हो, और हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जो जो टाइप के रेज्यूम, जो जो बैकग्राउंड से आप, उस टाइप के रेज्यूम का एक आइडिया दे देंगे। और मेरा पर्सनल फेवरेट यही है, जो कि है मेरा ये कैनवा रेज्यूमे। कैनवा रेज्यूमे बहुत अच्छी वेबसाइट है, इससे मैंने बहुत रेज्यूम्स बनाए हैं, तो बहुत अच्छी वेबसाइट और मेरे को इजी भी लगता है। थोड़ा पेड पे ही है, और लाइक पेड मत यूज़ करना, पेड क्यों यूज़ करोगे, ये यूज़ कर सकते हो ओवरलीफ, यूज़ कर सकते हो ओवरलीफ भी अच्छा है, और ये यूज़ कर सकते हो दैट इज़ नोवा। नोवा रेज्यूम फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा है, एक पेज का रेज्यूम बनता है, बहुत अच्छा है, दैट इज़ इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसी चीज़ें डेली आती रहती हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, और वीडियो को जरूर लाइक करना, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट यार, एक रुपए भी मांगे कि हमको पैसा दो, नहीं मांगे ना, तो आपको बस लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके लगाना, ताकि आपको वीडियोस डेली मिलते रहें, और आपको फायदा जरूर होने वाला है धीरे धीरे। ऐसे नहीं है इंस्टेंट फायदा, आज वीडियो मैंने डाला तो कल आपकी नौकरी लग गई, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे आप इंप्रूव करते हो, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे कुछ महीने अपने आप पे काम करोगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सो दिस वॉज ऑल, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरा ब्लॉग चैनल नहीं फॉलो करते हो, फॉलो कर सकते हो, बहुत चीज़ें वहाँ शेयर करते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।